नमस्कार, संसार क्रांति की टीम इस समय जींद में मौजूद है और जैसा कि हमने पहले भी आपके सामने एक मुद्दा रखा था, EBPG के तहत जो सिलेक्शन होने थे बच्चों के, उनकी जो नियुक्तियों को लेकर के मामला अटका हुआ बीच अधर में, उसमें लगभग 340 बच्चों के आसपास की नियुक्ति हो चुकी है और 1369 बच्चों का मामला अभी भी अधर में लटका हुआ है और 3000 के लगभग ये कैंडिडेट हैं जिनकी संख्या की जानकारी हमारे पास आ रही है। इसी की ताज़ा अपडेट देने के लिए हमारे साथ स्वयं मौजूद हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिराम दीक्षित जी। स्वागत है कार्यक्रम में हरिराम जी आपका। थैंक्स। सबसे पहले तो मैं संसार क्रांति का धन्यवाद करता हूँ कि ये समय समय पर जो सामाजिक पर आपत्तियाँ आती हैं, कष्ट आते हैं, उनका निवारण के लिए आवाज़ उठाती है। मैं इसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ और बड़े आपका धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद हरिराम जी। हरिराम जी, जो जिन बच्चों का ये मामला अधर में लटका हुआ है, चाहे कोर्ट केस वाले हैं या फिर जो इनकी नियुक्तियाँ हो चुकी हैं, तो लेटेस्ट अपडेट को लेकर के बच्चों में एक आशंका बनी हुई है, उनका भविष्य किस प्रकार का रहेगा, कैसा उनका फ्यूचर है, तो ताज़ा अपडेट क्या है, बच्चे जानना चाहते हैं जो इस केस से जुड़े हुए बच्चे हैं। देखिए, ये जो 1369 बच्चों पर सटे आया हुआ था कोर्ट द्वारा, वो 18/5 को बहाल हो गया था जी। आज इसने 55 दिन हो गए बहाल हुए ना, लेकिन सरकार जो है भारती का राग अलापती है, जिसकी वजह से आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुई, जबकि सरकार ने को आदेश दे पूछा दिए थे माननीय हाईकोर्ट ने कि इन 1369 बच्चों की ज्वाइनिंग शीघ्र करा दी जाए। तो अब सरकार की मनसा कैसी लगती है आपको और सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो क्या कह रहे हैं इस बारे में? हम जो देखो, इस टाइम के दौरान 3 बार मिले हैं CM साहब से, एक बार मिले हम करनाल में, दूसरी बार मिले हम किलायत में, तीसरी बार मिले फतियाबाद में। वो बार बार यही राग लापते हैं, भारती वाला आप लोगों ने सस्पेंड करा दिया, आप लोगों ने सस्पेंड करा दिया। अरे, सस्पेंड करा दिया तो उसकी गलती थी, उन्होंने सस्पेंड हो गए वो, लेकिन उनकी जगह एक जो दीपिता उमाशंकर जी को ज्वाइन करा था उनको चार्ज नहीं दिया, उनको पूरी अथॉरिटी नहीं दी, जिससे 1369 बच्चों की ज्वाइन अदर में लटकी हुई। तो प्रधान जी, आगामी जो रणनीति है आप लोगों की वो क्या रहेगी? आगामी रणनीति ये है कि मैंने आह्वान किया है सभी संगठनों से, सभी समुदाय के लोगों के संगठनों से और सभाओं से और सभी बच्चों से कि वो 16 तारीख में HSC के ऑफिस के सामने ठीक 9 बजे इकट्ठे हो जाएं और वहाँ पर मैंने निर्णय लिया है कि मैं वहाँ पर आमने अनसर पर बैठूँगा और वहाँ से आऊँगा नहीं, आऊँगा तो रिजल्ट लेकर आऊँगा या फिर मर कर आऊँगा। चलिए, तो अखिल भारतीय ब्राह्मण आरक्षण संघर्ष समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हरिराम दीक्षित, इनका साफ तौर पर कहना है, सभी जगह निर्देश इनके द्वारा दे दिए गए हैं, जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, जितने भी जो बच्चे हैं जिनका भविष्य अधर में लटका हुआ है, इन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया सभी 16 तारीख को HSC के जो दफ्तर है उसके आगे धरना देंगे। और एक और बात इन्होंने बहुत बड़ी कही है, यहाँ से आमरण अनशन पर ये जा रहे हैं, यदि इनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो ये आमरण अनशन करेंगे और नियुक्तियों को मतलब बतौर बहाली के तौर पर इनकी ओर से साफ बात आ रही है, बहाल हो जाएंगे तभी ये वहाँ से उठेंगे, तब तक नहीं उठेंगे। तो और भी तमाम प्रकार के कयास लगाए जा सकते हैं, अब सरकार को ये देखना है इनका जो आंदोलन है वो किस दिशा में जाता है और इनकी बातों को लेकर सरकार कितना संजीदगी से और कितना शिद्दत के साथ इनको अपने जहन में उतारती है और इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करती है। और भी तमाम इसी प्रकार की जानकारियों के लिए आप बने रहिए संसार क्रांति के साथ। जींद से संसार क्रांति के लिए करमवीर आर्य।